आदिपुरुष ने अपने दूसरे वीकेंड पर लगभग 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इससे फिल्म की टोटल कमाई पहुंचती है 275 करोड़ रुपए। अगले वीकेंड कई नई फिल्में आ रही हैं, इसका सीधा असर प्रभास की फिल्म पर पड़ेगा। देश भर से आदिपुरुष का लाइफ टाइम कलेक्शन 300 करोड़ रुपए के आसपास सिमट सकता है। आदिपुरुष ने पहले 7 दिन में देश भर से 259 करोड़ 9 लाख रुपए कमाए। दूसरे वीकेंड के 3 दिनों में फिल्म का कलेक्शन क्या रहा वो आपको बताते हैं। शुक्रवार को 3 करोड़ 4 लाख रुपए, शनिवार को 5 करोड़ 25 लाख रुपए, रविवार को 6 करोड़ रुपए कमाए। वीकेंड का टोटल रहा 14 करोड़ 65 लाख रुपए, यानी कि 259 करोड़ 9 लाख और 14 करोड़ 25 लाख को अगर हम मिला लेते हैं तो ये हो जाता है 274 करोड़ 55 लाख रुपए। शुक्रवार को कमजोर कमाई के बाद शनिवार को ठीक ठाक उछाल देखने को मिला, मगर आदिपुरुष जैसी मेगा बजट फिल्म के लिए वो उछाल काफी नहीं। दूसरे वीकेंड के 3 में से किसी भी दिन ये फिल्म 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। शुक्रवार को फिल्म की टिकटों की कीमत 150 रुपए थी, आदिपुरुष उसका भी कुछ खास फायदा नहीं उठा पाई। अब मेकर्स ने फिल्म की टिकट और सस्ती कर दी है। अब फिल्म का 3D वर्जन सिर्फ 112 रुपए में देखा जा सकता है। देखना होगा कि फिल्म को इसका कितना फायदा मिलता है। 28 जून को कार्तिक और कियारा आडवाणी स्टारर सत्यप्रेम की कथा रिलीज होनी है, यानी बकरीद वाले वीकेंड पर। आदिपुरुष को ये फिल्म भी नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि लोग इतनी आलोचना का शिकार हो चुकी फिल्म की बजाय कुछ नया देखना पसंद करेंगे। ट्रेड के जानकार लोगों का मानना है कि ये फिल्म 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू जाए यही इसके लिए बहुत होगा, क्योंकि वापसी करने वाला टाइम निकल चुका है। आदिपुरुष 16 जून को रिलीज हुई थी, अगली बड़ी पिक्चर 28 जून को लग रही है। इन 12 दिनों के सोलो रन में जब फिल्म कोई झंडे नहीं गाड़ पाई तो आगे क्या ही उम्मीद की जाए। आदिपुरुष में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सेनन, सनी सिंह और देवदत्त नागे जैसे एक्टर्स ने काम किया। इस फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया। आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथी श्वेतांग शेखर ने। मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉक सिनेमा। शुक्रिया।